मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। मिथुन चक्रवर्ती 3 नेशनल और 4 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। 8 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती 3 नेशनल और 4 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं और अब जो है एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यूपी के गाजी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के रण में बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने से पहले वह मरने वाले नहीं हैं। उनके इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा, कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण से जो है ये कह दिया है, उसे साफ पता चलता है कि कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी से कितनी नफरत और डर है कि वे लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जहां तक श्री खड़गे जी के स्वास्थ्य का सवाल है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो लंबा और स्वस्थ जीवन जिए, वो कई वर्षों तक जीवित रहे और 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए जीवित रहे। तो अमित शाह ने जो है एक्स हैंडल पर ये पोस्ट किया है, जो पोस्ट किया है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल खड़गे जी ने अपमानजनक बयान दिया, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया है। उन्होंने अपने नेताओं को भी मात दे दी, ये उनके तरफ से कहा गया है। निजी स्वास्थ्य मामले में पीएम को घसीटा, अमित शाह ने ये कहा है। और उसके बाद से एक्स हैंडल पर जो है अमित शाह ने पोस्ट किया है, आप देखिए जो पोस्ट किया गया है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।